बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने समस्त देशवासियों व खासकर मुस्लिम समाज को रमजान के पवित्र मौके में दिल से मुबारकबाद दी और इस्लाम के 5 फर्ज में से एक रोजा, जो साल में एक बार 1 महीने के लिए होता है, इस रमजान का अपने आप में एक खास महत्व होता है। वहीं पर उन्होंने सभी देशवासियों को मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा कि वो जो मुस्लिम समाज आज बहुजन समाज के साथ गठबंधन को सार्थक बनाने के लिए दिन रात एक कर रहा है, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के ऊपर और सपा और रालोद के ऊपर, जो गठबंधन के ऊपर विश्वास किया है। उन्होंने कहा कि उनका विश्वास, उनका वोट बिल्कुल भी जाया नहीं जाएगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो बहुत सारे वो कार्य होंगे जो अभी तक 70 साल में नहीं हो पाए हैं। उन्होंने वहीं पर बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार होने के बावजूद यूपी की अति गरीबी, बेरोजगारी व पिछड़ेपन का चेहरा अब तक थोड़ा भी क्यों नहीं बदला। उन्होंने कहा कि हमारी 4 टाइम की शासनकाल की सरकार के अंदर उन्होंने बहुत सारे वो कार्य कर दिखाए जो आज तक की सरकारों ने नहीं करे थे। उन्होंने पीएम मोदी पे निशाना साधते हुए कहा कि पीएम श्री मोदी क्या नजर मिलाकर इसका जवाब जनता को दे पाएंगे? दूसरों को बुरा कहने के आदि वह अपने गिरिबान पर झांक कर क्यों नहीं देखते? उन्होंने कहा कि आज कोई मुद्दा नहीं है तो राफेल के ऊपर बात करते हैं, देश सुरक्षा के ऊपर बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की व्यवस्था के ऊपर बात करते हैं, क्यों नहीं करते बात माननीय नरेंद्र मोदी? शिक्षा की बात, रोजगार की बात, जीएसटी की बात, नोटबंदी की बात, इन सभी मुद्दों पे कब करेगी बीजेपी सरकार अपने वादे पूरे? रमजान के मौके पे उन्होंने ज्यादा ना कहते हुए फिर दोबारा से उन्होंने सभी मुस्लिम समाज को बधाई दी इस नेक त्योहार पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।